हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। दोस्तों, बिहार इंटर में एडमिशन ऑफिशियली चालू हो चुका है। चलिए इसके बारे में पूरी स्टेप्स हम आपको बताएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे आपको ऑनलाइन में, और इसके लिए अप्लीकेशन फ़ी कितने लिए जा रहे हैं, और ऑनलाइन करने के बाद आपका आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो वीडियो के साथ अंत तक रहिएगा दोस्तों, और जो लोग नए हैं पहली बार चैनल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिहार में किसी भी तरह की कोई न्यूज और नोटिफिकेशन होता है उसका वीडियो लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बटन को दबा दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पोर्टल पे आ गए हम दोस्तों, या यही है वो ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन कर पाइएगा। ये ऑनलाइन आप कहीं से, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, कहीं से भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, ठीक है दोस्तों, ofssbihar.in हायर एजुकेशन इंटर। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से डायरेक्ट आप आ सकते हैं। दोस्तों, एक बात और, अगर आप लोग अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम न्यूज और नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। चलिए पहले इंस्ट्रक्शन हम आपको बता देते हैं। देखिए, OFSS ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट के माध्यम से आप एक आवेदन पत्र के माध्यम से विभिन्न कॉलेज अथवा विद्यालय में 20 विकल्प चुन सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑनलाइन जो एक स्टूडेंट 20 कॉलेज जो है अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, 20 कॉलेज में कहीं से भी आप अपना, आपका किसी भी कॉलेज में नाम आ सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम देखिए, आप ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से 20 विकल्प विभिन्न कॉलेज अथवा विद्यालय में आवेदन दे सकते हैं। अपने विकल्पों का चुनाव अपनी वरीयता सूची के अनुसार करें। तो आप जब ऑनलाइन करिएगा वहाँ पर आपको नंबर सीरियल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, आवेदन में विकल्प भरते समय यह सुनिश्चित करें कि जो विकल्प आप सबसे पहले भरे हैं उसी के अनुसार आपकी चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी कि पहले नंबर में जो आप कॉलेज सेलेक्ट करिएगा, सबसे पहले उस पर विचार किया जाएगा वो आपके लिए एलिजिबल है कि नहीं, वो उसमें सीट बचा है कि नहीं, उसके बाद उसमें नहीं, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इसी तरह से आपको वहाँ पर आपको कॉलेज यानी कि अलॉट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस आवेदन हेतु आपके आवेदन शुल्क ₹300 लगेंगे। कुल एप्लीकेशन फ़ी जो है ऑल कैटेगरी का ₹300 एप्लीकेशन फ़ी जो है रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आगे ऑनलाइन करने की प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। ऑनलाइन पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग के आधार से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बैंक चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं, स्टेट बैंक में। यहाँ देखिए, बैंक चालान के माध्यम के शुल्क निकटवर्ती इलाहाबाद बैंक अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जाकर जमा करना होगा। आवेदन फॉर्म भरने हेतु मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी होना आवश्यक है। तो जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपके पास मोबाइल नंबर एक और एक ईमेल आईडी मैंडेटरी है। आपके एडमिशन से संबंधित सारी सूचनाएं मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। तो ईमेल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव रखना होगा आपको। मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा, अतः फॉर्म भरे से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि यह मोबाइल नंबर सही है। तो पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रीव्यू करना है। आवेदन हेतु आपका पासपोर्ट साइज का फोटो स्कैन कर कंप्यूटर में रख ले। फॉर्म भरने से पहले एक फोटो जो है स्कैन कर ले। ऑनलाइन करते वक्त आपके पास ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और फोटो, उसके बाद आपका मार्कशीट प्रीव्यू करें। उसके बाद क्या क्या ले जाने होंगे इसके बारे में हम आपको और भी बता देते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं लगता है इसमें, आपके एक मार्कशीट ले जाने होंगे, जो आपका मार्कशीट है, एडमिट कार्ड साथ में ले लीजिएगा। तो सारा कन्फ्यूजन अब मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो उसके बाद इस क्लिक पे, इस बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आवेदन हेतु यहाँ पे क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा इसका नेक्स्ट पेज खुल के सामने आएगा, जहाँ पर आपको वन बाय वन करके सारे कुछ यहाँ पर फिलअप करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो ऊपर से हम आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पे BSEB, उसके बाद आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करें। जैसे 2019 में किए हैं, 2018 में किए हैं तो 18। उसके बाद आप कौन सी परीक्षा पास किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले सेक्शन को भरने के लिए, वार्षिक, एनुअल या पूरक। तो यहाँ पे वार्षिक परीक्षा डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना जन्मतिथि, रोल नंबर, रोल कोड, यहाँ पे रोल नंबर डालना है, यहाँ पे रोल नंबर, उसके बाद अपना नाम, उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको भरने होंगे। फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, सारा कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। किसी तरह के अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप में फॉलो हो जाएगा, वहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, यही थी इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।